क्या कह रही हो? सच में सूर्य ने जब से तुमको देखा है ना, तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया कि दीवाना बनकर घूमता फिर रहा है। वैसे सच कहूं तो लड़का बुरा नहीं है। अगर ये बात है तो मुझे सूर्या को बताना होगा। तुझे माधुरी से प्यार नहीं? लव मुझे माधुरी से? एक पता है मुझे उसके भाई ने दो बार शहर छोड़कर जाने की धमकी दी है। अब अगर मैं उसी के बहन से प्यार करूंगा तो जंग छिड़ जाएगी, मर्डर भी हो सकता है। देखो बेटू लोग, ये सब लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए, समझे? इसलिए हमारे कॉलेज का वो सुंदर लड़का है ना, अरे वही गोकुल जो एक साइड इसको प्यार करता है, अरे उसके साथ में इसका टाका बिठा देंगे, बस हो गया काम, मैं खुश। तरह की बात सोच भी सकते हो, मैंने नहीं सोचा था। लगा था तुम एक शरीफ हो, पर तुम तो एक कायर निकले। मेरे भाई से डरकर मेरे प्यार को बदनाम किया। छी, मैंने क्यों एक पत्थर दिल से प्यार किया जो प्यार को खेल समझता हो? नहीं नहीं, आगे कुछ मत कहना। I hate you. आज तेरा खेल खत्म करके रहूंगा, खत्म कर दूंगा। ये शहर मेरा नाम सुनकर कांपता है। सब कायर है इस शहर में, मैं कायर नहीं हूं। तो पंगा लिया। सोना भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, सूरज डूबने से पहले इस शहर से निकल ले, नहीं तो कल सूरज निकलने से पहले दुनिया में नहीं रहेगा। शमशान में तेरे को जिंदा जलाऊंगा मैं। मुझे मार कर मेरी लाश को शमशान में जलाने की बात की थी ना, लेकिन तुम्हें अपने पिता को जलाना पड़ा। तू अभी तक यही सड़ रहा है, बड़ा जिगर है बे तेरा। तेरे सामने आने के लिए जिगर ही कितना चाहिए? क्या तूने मुझे डरपोक समझा है? तेरी चिता यहीं जलेगी। जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए, समझे? अब तू नहीं भूलेगा। अरे तो अपने आप को यमराज समझता है या ईश्वर? कान खोल के सुन ले, मैं इसी शहर में रहूंगा और सर उठा कर जीऊंगा। मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये शहर तेरा या तेरे बाप का नहीं है। ए, अगर प्यार से कहता तो चला जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? मुझे प्यार हो गया है, और किसी से नहीं, तेरी बहन से। मैं उससे शादी करने वाला हूं। तेरे को जो करना है कर लेना। Oh!
सूर्या, हे सूर्या, हो सूर्या। क्या करते हो जी? सुनो बिना तो टेंशन में क्यों हो? क्या फिल्म देख रही हो? तो टेंशन बढ़ा रहे हो, छोड़ो ना यार। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या एक्शन था फिल्म में, मजा आ गया। चिरंजीवी का तो जवाब नहीं यार। आए चल आए। अरे क्या हुआ? अरे ए जी क्या हुआ आपको? कोई डॉक्टर को बुलाओ। ओ ये क्या, यहाँ भी टॉर्चर? चल ठीक है। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, आने दो से मैं मजा चखाती हूँ। आए माधुरी, तुम भी पिक्चर देखने आई हो? नहीं, समोसा खाने आए हैं। ओ गुड टेस्ट। माधुरी मुझे कुछ भजिया पिज्जा जैसा कुछ चाहिए। हाँ हम भी देखने। बताओ बताओ। If you don't mind, I never mind. वहाँ बहुत भीड़ लगी है ना। okay. उससे दो कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहो। उसे कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद लेकर आता हूँ। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा गोकुल। Thank you. There is long queue. Go. दो कोल्ड ड्रिंक देना भाई। क्या हुआ जी? अरे ऐसे क्यों गिर रहा है बार बार? क्या हुआ आपको? सेम पहलू। क्या करूँ? अरे सुनिए ना, सुनिए। ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। एक्चुअल में ये क्या है? एक्सक्यूज मी, कमाल की ट्रीटमेंट है। एक्सक्यूज मी, और ये अपना नाम है। एक बार जो ट्रीटमेंट करवा लेता है वो जिंदगी भर तुमको याद रखता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, यू कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न। बीच में हड्डी है। हेलो, क्या कैच पकड़ा है? तुम हो मैन ऑफ द मैच? क्या सूर्या को मिलने आए हो? सूर्या अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शंकर दादा फिल्म देखने गया है, वहीं आने को कहा है। सूर्या तुम यहाँ? बता दो सिस्टर, साइड प्लीज। ए, तुम किससे पूछ कर यहाँ आई हो? मुझे भी ये फिल्म देखनी थी, मेरे साथ आ सकती थी। ये बात पूछने वाले तुम कौन होते हो? ये मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड ही पूछ सकता है, तुम नहीं। देखो माधुरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात मैं सबके सामने कह चुका हूँ। अब शादी का ग्रीन सिग्नल मिलने तक हाथ में लॉलीपॉप लेकर चूसने वालों में से मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद ही जाकर तेरे भाई से बात कह दी। ये बोलकर तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया, समझे? अरे खतरनाक हालात ही मुझे पसंद आते हैं। अपनी जिद छोड़ दो, मेरे भाई के आदमी तुम्हें हर जगह तलाश रहे हैं, समझे तुम? अरे यहाँ वहाँ ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं कहाँ मिलूंगा ये मैं उन्हें बता कर आया हूँ। क्या चिरंजीवी की फिल्म लगी है, क्या फिल्म है? रुको रुको, क्या हुआ? इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले तुम यहाँ से चले जाओ। भाग जाओ। और मैं? ओए अब देखती जा मजा। भाई वो आ रहा है। भाई इसकी स्टाइल तो समझ में आती नहीं है, एक काम करते हैं, तलवार से इसकी गर्दन काटी होगी। पकड़ उसको, भाई भाग रहा है। उधर। ए होशियार, कोई चाल चलने वाला है। भाई मेरे को तो लगता है कि वो डर कर भागेगा। भाई उसने गाड़ी को लात क्यों मारा? अब उनको देखो साले की हवा टाइट हो गई है। भाई चिरंजीव भैया, आप फिल्मों में कितने लोगों की मुसीबत में ठीक समय पर आकर रक्षा करते हो, खून बहाते हैं, आंखें फोड़ते हैं, ऐसा आम जिंदगी में कुछ लोगों की मदद करके हीरो बनते हैं। अब आपको मेरी रक्षा करनी है भाई, मुझे इस कार्य के लिए माफ कर देना, मजबूरी है। जय चिरंजीवा। ए, हमारे चिरंजीवी का गड्ढा उतरता है। हम लोग उसको मारने की सोच रहे थे, वो लोग पहले उसको मार डालेंगे। जाएगा
ये उन सबको लेकर हमारी ही तरफ आ रहा है। छोड़ेंगे नहीं सर। उसको इधर ही गेम बजा डालेंगे। अपने गैंग के साथ आया है, छोड़ना नहीं। ए माधुरी, हाउ इज इट? मेगा स्टार फैन फाइटिंग। भाई क्या हो गया, ये सब क्या है? ए हल सूर्या ने केले भाई। मैंने उसी वक्त कहा था अकोला वालों के मुंह मत लगना। तू अंदर जा, तेरे से बोल रहा हूँ, जाना। जा रही हूँ, नहीं गई तो क्या करोगे, मुझे क्या लेना देना। क्या रे, वो एक अकेला था और तुम सबको फोड़ डाला। नहीं भाई, बहुत लोगों ने मारा। उसके पास इतना बड़ा गैंग है क्या? हमें मारने वाला वो नहीं, चिरंजीवी के फैन थे। चिरंजीव के चाहने वाले थे? अरे उनसे क्यों झगड़ा मोल लिया तुम लोगों ने? हम क्यों झगड़ा करते भाई, उन्होंने झगड़ा किया। थिएटर में हमें देखकर वो भाग गया, उसके पीछे हम भी भागे। वो हमारे सामने आया, हम उसके सामने आए, बस वहाँ देखता हूँ तो चिरंजीवी फैन वहाँ वो नहीं था। वो क्यों भागा पता नहीं, माँ की कसम बहुत फोड़ा उन लोगों ने। भाई एक चांस और दे, अभी तो चिरंजीव ने बचा लिया लेकिन अब भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अरे ये बुरे काम बंद करो। अरे माँ, अरे तुम लोगों को नहीं पता चिरंजीव भी अकोला में पैदा हुआ था।